Good morning, students. Welcome to Pioneer Convent School. Today we will continue our chapter number 4, Robots Don't Lie. So students, we have read up to here. आज हम need करेंगे our next part. हमने अभी तक जो read किया था, what we have read, कि अजय और जो मंकू रोबोट है उन दोनों की conversation होती है और अजय जो भी speak करता है मंकू रोबोट उसको मिस अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि अजय मोस्टली क्या करते हैं, idioms या phrases यूज करते हैं और वो उसको लिटरली ले लेता है. ठीक है, मीन्स एग्जैक्टली समझ नहीं पाता, डिडंट अंडरस्टैंड एक्चुअली ही मीन्ट, कि जो वो कहना चाहता है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो अजय इससे इरिटेट हो जाता है बार बार रोबोट से. नाउ लेट स्टार्ट. आफ्टर तारिक लेफ्ट, तारिक जो कि अजय का फ्रेंड है, उसके जाने के बाद अजय डिसाइडेड To contact Robotic International. अजय ने डिसाइड किया कि वो रोबोटिक इंटरनेशनल से कॉन्टेक्ट करेगा. रोबोटिक्स इंटरनेशनल होते हैं जो रोबोट्स बनाते हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं उनसे. अ मैन्स स्माइलिंग फेस अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन, मीन्स अब अजय ने, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, कंप्यूटर से उनको कॉन्टेक्ट किया. जब उनको कॉन्टेक्ट किया तो स्क्रीन पे, जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, उस पे एक मैन का स्माइलिंग फेस अपियर होता है. दिस इज रोबोटिक इंटरनेशनल, मेकर्स ऑफ रोबोट्स फॉर योर होम, मे आई हेल्प यू. नाउ दिस पर्सन सेज कि मैं इंटरनेशनल रोबोटिक्स मेकर से बोल रहा हूँ जो रोबोट्स बनाते हैं फॉर योर होम, तुम्हारे घरों के लिए. मे आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ. आई हैव अ प्रॉब्लम विद आर मंकू रोबोट. अब अजय रिप्लाई करता है इस पर्सन को कि मुझे प्रॉब्लम है हमारे मंकू रोबोट से. इट टेल्स टेल्स, टेल्स होती हैं स्टोरीज, इट टेल्स टेल्स टू माई फादर, ये मेरे फादर को स्टोरीज बनाता है, बनाकर बताता है. इट लेट्स इन विजिटर्स आई डोंट वॉन्ट टू सी, मीन्स ये हम जो विजिटर्स हैं हमारे घर पे उनको अटेंड नहीं करता, उनको वहीं खड़ा रहने देता है. I don't want to see, मैं उसे देखना नहीं चाहता, means मैं इस रोबोट को देखना नहीं चाहता. It has no sense, इसके पास कोई sense नहीं है. The smile on the man's face faded, means अजय की ये बात सुनने के बाद जो मैन के फेस पे स्माइल थी ना, वो फेड हो जाती है. फेड मीन्स डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है. His face grew stern, means उसका फेस बिल्कुल सीरियस हो जाता है ये बात सुनने के बाद. And he said, has no sense, कोई सेंस नहीं है. Or do you mean he doesn't tell lie? Means वो झूठ नहीं बोलता. Mankoo robots are not programmed to lie. Mankoo robots इसलिए प्रोग्राम नहीं किए जाते कि वो झूठ बोले. Yes, well, I mean I. अब मंकू सॉरी जो अजय है वो थोड़ा घबराहट से बोलने लग जाता है. हाँ अच्छा, I mean, ठीक है. तो इस तरह the man continued speak formally. तो मैन जो है वो अब गुस्से में कॉन्टिन्यू बोलता रहता है. मंकू रोबोट्स कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू टेल लाइज, कि मंकू रोबोट से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो झूठ बोले. वी विल हैव टू विदड्रॉ द मंकू रोबोट फ्रॉम योर होम. अब वो एंगरली में क्या कहता है, गुस्से में कहता है कि हमें जो तुम्हारे घर से मंकू रोबोट है वो लेकर जाना पड़ेगा. वॉच बट वाई, अब अजय सरप्राइज हो जाता है ये सुन के और कहता है क्यों. ठीक है, नेक्स्ट. अजय वॉज नाउ वेरी अलार्म्ड, अब अजय बहुत अलार्म्ड हो चुका था, स्टक हो चुका था, डर भी गया था. वट वर हिज पेरेंट्स गोइंग टू से, कि अब उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे जब अगर मंकू रोबोट को वो उसके घर से ले जाएंगे, तो अपने पेरेंट्स को क्या रिप्लाई करेगा कि मंकू कहाँ गया. ओ नो, आई डिडेंट मीन दैट, ओ नहीं, मुझे मेरा ये मतलब नहीं था कहने का. इफ यू कैन नॉट स्पीक ट्रूथफुली, अब ये पर्सन बोल कहता है कि अगर तुम सच नहीं बोल सकते, द मंकू रोबोट विल वन डे कॉज अ मिसहैप, ठीक है, तो मंकू रोबोट क्या करेगा, तुम्हारे लिए एक दिन ट्रबल क्रिएट करेगा. एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी मीन्स पॉलिसी क्या होती है, जिसमें कुछ रूल्स मेंशन होते हैं. वी विदड्रॉ मंकू रोबोट्स फ्रॉम होम्स विच आर नॉट राइट फॉर देम, तो मीन्स जो रूल्स के अकॉर्डिंग हम मंकू रोबोट्स को तुम्हारे घर से ले जाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारे लिए राइट नहीं है उनके अकॉर्डिंग. ठीक है, नेक्स्ट. द मैन्स इमेज बिगेन टू फेड, अब जो मैन की जो इमेज थी कंप्यूटर से वो फेड होने लग जाती है, थोड़ी क्लियर नहीं होती है, मतलब जैसे हम कंप्यूटर ऑफ करते हैं ना, वैसे होने लग जाता है. वी विल अरेंज फॉर समबडी टू कम टू योर हाउस, हम किसी ना किसी को अरेंज करेंगे तुम्हारे घर पे आने के लिए. एंड कलेक्ट आर मंकू रोबोट टूडे, और हम जो हमारा मंकू रोबोट है उसको ले जाने के लिए आज.
भेजेंगे, योर मनी विल बी रिफंडेड इन फुल, और तुम्हारी जो मनी है वो रिफंड कर दी जाएगी, तुम्हें वापस पूरी की पूरी दे दी जाएगी, गुड बाय। अब ये कहकर उसकी जो स्क्रीन है वो फेड होने लग जाती है। अजय स्टेयर्ड एट द ब्लैंक स्क्रीन, अजय घूरने लग जाता है ब्लैंक स्क्रीन को देख के। ही फेल्ट वेरी सॉरी, अब उसको बहुत सॉरी फील होता है फॉर व्हाट ही हैड डन, जो उसने किया। नाउ अजय अपने आप से ही बात करता है, आई विल बी ऑनेस्ट फ्रॉम नाउ ऑन, कि आज से मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहूंगा, ईमानदार बन के रहूंगा। आई विल गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन, मैं आज से बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दूंगा, ताकि क्योंकि वो क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देता था और वो उसको रॉन्ग वे में ले लेता था, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था रॉबर्ट। श्योरली इफ आई लर्न टू टेल द ट्रूथ दे विल गिव अनदर चांस, और वो अब कहते हैं कि श्योरली अगर मैं लर्न कर लूंगा कि मैं सच बोलना तो वो मुझे अनदर चांस दे देंगे। मीन्स कौन? रोबोटिक इंटरनेशनल वाले, वो रोबोट को नहीं लेके जाएंगे। नेक्स्ट, आई विल टॉक टू माई फादर, अब वो कहते हैं कि मुझे मेरे फादर से बात करनी चाहिए। आई एम श्योर इफ आई टेल हिम एवरीथिंग एंड अपोलोजाइज, मुझे श्योर है कि अगर मैं अपने फादर को सब कुछ बता दूंगा और अपोलोजाइज कर लूंगा, मीन्स सॉरी फील कर लूंगा, ही विल फॉरगिव मी, वो मुझे माफ कर देंगे, मीन्स उसके फादर। ही विल बी एबल टू परसुएट देम टू लेट अस कीप मंकू, परसुएट का यह मीनिंग है कि जो उसके फादर है वो परसुएट कर पाएंगे, उनको मना लेंगे, उनको समझा देंगे, मीन्स किनको? रोबोटिक्स इंटरनेशनल की जो टीम है उनको समझा देंगे, और लेट अस कीप मंकू, और मंकू को घर पे ही रहने देंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द स्टोरी अबाउट रोबोट्स एंड अजय, कि जो रोबोट्स हैं वो झूठ नहीं बोलते, ठीक है। सो इस स्टोरी से हमें जो मॉरल है वो क्या सीखने को मिल रहा है, कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और दिस होल स्टोरी इज रिटन बाय दिलीप एंड साल्वी। एंड वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, जितने भी आपकी बुक में ब्लू वर्ड्स गिवन हैं उन सबके मीनिंग आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन है, सो यू कैन अंडरस्टैंड देयर ऑल्सो। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।